तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। तो आप सबको मालूम है कि अभी स्कूलों में 2-4 दिनों से छुट्टी चल रही है, तो सभी लोग अपने अपने घर और अपने अपने कामों में बिजी चल रहे हैं। तो देखो, हम भी ये कंतन लेके चल पड़े हैं हमारे खेतों की ओर। और मेरे पीछे देखो, हमारे नए मेहमान आज हमारे चाचा और चाची जी। तो आज हम हमारे खेत में क्यों जा रहे हैं कि हमारे खेतों में जो मूँगफली लगी थी उसको अभी निकाल दिया है। तो हमारे चाचा और चाची जी बोल रहे थे कि हम मूँगफली ले जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि उसको एक हमारी लैंग्वेज में बोले तो भारा बंधवा के उसको अपने सिर पर उठवाते हैं। तो अभी देखो, हमारे पीछे हमारा खेत है, सारी मूँगफली हमने निकाल दी है और अभी हम आए हैं थोड़ी सी खाने के लिए, लेने के लिए। हम जब खेत में जाएंगे तब आपको बताता हूँ कि हमारे चाची जी कैसे ले जाते हैं मूँगफली चाचा और चाची। तो अभी यहाँ पे कुछ पैसों का हिसाब किताब चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं है। क्या हाल चाल? बढ़िया है, बढ़िया। तो ये अभी फुल प्रकृति का एंजॉय कर रहे हैं। देखो यार, पूरी तरह से खेत में है और ये पपीता की ओर चल पड़े। अभी चेक कर रहे हैं कि शायद पके हैं या कच्चे हैं। चलो ये भी चल पड़े अभी, चाची जी भी देखते हैं। अभी उसको डर है कि शायद जो पपीते पर मिट्टी बिट्टी लगी है वो लग ना जाए। अभी कुछ चर्चा चल रही। चलो मैं आपको एक बार नदी जा कर दिखवाता हूँ। ये है पपीता। सामने भी तो देखो दोस्तों, पपीता को देखकर हम अभी हमारे खेत में चल रहे हैं। और मैंने अपने हाथ में बड़ा वाला डंडा ले लिया है। तो ये डंडा क्यों लिया है, तो किसी को मारने के लिए नहीं लिया है, लेकिन ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो ये डंडा किस प्रकार हमारे को काम आता है वो आपको आगे जाकर देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं हमारे खेत में। तो दोस्तों, बस आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर भी करो। भैया कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उसको मैं पपैया दो दूंगा। कोई बात नहीं, चलो तू भी आता है ना। चलो ये डंडा मैंने क्यों लिया है वो अभी आपको पता चल जाएगा मूंगफली के खेत में। तो देखो, अभी चाचा और चाची लग गए हैं काम में, मूंगफली निकाल रहे हैं और काफ़ी जोर लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा खेत सूख गया है तो मूंगफली अभी थोड़ी सी बाकी है, शायद आधा क्यारा बाकी है और सारी पूरा खेत हमने निकाल लिया है, उखाड़ लिया है। तो ये इस प्रकार पड़े हैं सब। तो अभी हमारे चाचा जी लग गए हैं और चाची जी भी साथ में कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कभी काम किया नहीं है लेकिन ट्राई करते रहते हैं जब भी घर आते हैं। तो क्या बोलो, आपको आता है ये सब काम? अभी सीख रहे हैं। अब क्या सीखना, सीखने की कोई उम्र नहीं। सही बात बोली साहब जी। आपको तो साहब जी ने तो बहुत काम किया है पहले खेतों में, बाद में उसकी जॉब लगी है। पहले हमने और साहब जी ने बहुत काम किया है हमारे खेतों में, हम तो अभी भी कर रहे हैं। अपनी 100% ड्यूटी खेत में लगाते हैं अभी भी। चाचा जी आप मुझे बताओ, आपने कितनी मूंगफली निकाली और कैसी है मूंगफली? कोई यार निकाली मूंगफली। देखो अच्छी है, लेकिन वो बड़ा वाला खेत है उसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छी है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो यार, ये अभी बड़े बड़े दाने हैं मूंगफली के, देखो मेरी आधी उंगली जैसी बड़ी है। अच्छी है,
तो चलो पहले थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, बाद में जो डंडा वाला काम है वो करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं ये डंडा क्यों लाया हूँ, तो देखो ये डंडा हमारे लिए किस काम का है। तो ये मूंगफली अभी हमें उखाड़ के रख दी है, तो उसको अभी उसकी साइड को चेंज करना पड़ता है ताकि जल्द से जल्द वो सूख जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये डंडे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये डंडा हमारे लिए कितना कमाल का है और क्या कमाल का काम करता है। तो बस इस काम के लिए हम इस डंडे को लाया था और हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत भी बच गई और हमें इस मूंगफली को साइड चेंज करने में बहुत मज़ा भी आया। तो देखो दोस्तों पूरा का पूरा खेत हमने पलट दिया है, यानी कि जो खेत में मूँगफली थी उसको पलट दिया है और उसकी साइड चेंज कर दी है ताकि वो जल्द ही जल्द सूख जाए और हम थ्रेसर में जल्द ही जल्द निकाल सके। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।